मैडम दूसरा या तीसरा? बदतमीज, मासी हूँ मैं इसकी। अरे मैडम मैं लिफ्ट का फ्लोर बोल रहा हूँ, पता नहीं इतना एटीट्यूड है। फ्लोर ठीक है। भाई यार रात के 2 बज रहे हैं और दोस्तों ने दारू पिला दी, बहुत पिटाई होगी यार आज बीवी से। दिखाई तो दे नहीं रही, सो गई होगी। चलो अच्छा है। हैं? अबे यहाँ क्या कर रही है तू? रात के 2 बज रहे हैं, सोना नहीं है क्या तुझे? कितना काम करती है तू, ला झाड़ू मुझे दे। इतना काम मत करा कर, आराम नहीं करना तुझे? पूरा दिन घर में लगी रहती है, पूरा दिन, कभी तो आराम कर लिया कर। कितना ध्यान रखते हैं मेरा, और मैं बेवजह लड़ती हूँ। सुनो मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्यों, मैं तो आपको जानती भी नहीं। एक्चुअली मेरी वाइफ नहीं मिल रही है, आपसे बात करते हो देखेगी ना 2 मिनट में आ जाएगी। ये देखिए आ गई। क्या कर रहे हो यहाँ पर? यार मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चलो। अरे रुको, अरे गाड़ी रोको मैडम, ये आपका चलान होगा मैडम। चलान किस बात का? 40 के ऊपर गाड़ी चलाना मना है मैडम, वो देखो बोर्ड ना पड़ा तुमने। हाँ तो आपको क्या पता, मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर लो, मैं भी 33 साल की हूँ। पता नहीं कैसे लोगों को नौकरी मिल जाती है, हटे यहाँ से। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? अरे मैडम आपका हेलमेट। कोई ना मैडम जाओ। सुनो हाँ। पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाने के लिए बना दो ना, पेट खाली है ना इसलिए दर्द कर रहा है। अच्छा तभी मैं सोचूं तुम्हारे अक्सर सर में दर्द क्यों रहता है, अब समझ आया मुझे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, मुझे ना अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा? और इतना गुस्सा आता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। ओके तो मुझे उसका कोई सलूशन बताइए कि मैं करूं क्या। देखिए मैं इसका आपको सिंपल और सरल सलूशन बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको जब गुस्सा है तो एक कागज उठाना है, उस पे आपने पति का पूरा गुस्सा भड़ा सब निकाल देनी है। अच्छा। और उसके बाद उसे जला देना है। अच्छा ठीक है, फिर देखिए आपकी सारी प्रॉब्लम शांत हो जाएंगी। ओके डॉक्टर मैं आज ही करके देखती हूँ। ठीक है, फीस दे दीजिएगा। अरे ये तो सुबह वाली मैडम है। हेलो गुड इवनिंग डॉक्टर, पहचाना मुझे, सुबह आई थी ना मैं। हाँ मैडम वो काम कर दिया आपने? हाँ डॉक्टर साहब जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। हाँ डॉक्टर मैंने वो तो कर दिया है, लेकिन अब पूछना ये है कि इस पेपर का क्या करना है मुझे। अरे मैडम आपने क्या जला सर, दिया अपने पति को? अबे ओह माय गॉड, क्या ये पागल लेडी, क्या करूं यार दिमाग खराब हो गया। अरे फोन क्यों काट दिया इन्होंने? मीनाक्षी आज मेरे को ना एक मन कर रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया सा गाना गाऊं तुम्हारे लिए। हाँ चलो। अदाएं भी हैं नजाकत भी है शरारत भी है, बस अकल ही नहीं है मेरे महबूब में। कैसा लगा? कितना अच्छा गाया ना मैंने। अरे इनकी पॉकेट से 500 रुपए मिले, रख लेती हूँ। नहीं यार मैं तो आज्ञाकारी पत्नी हूँ ना, पहले इनसे पूछती हूँ। सुनो यार सोने भी नहीं देती, कभी ये करो कभी वो करो, क्या है बोलो? आपकी पॉकेट से 500 रुपए मिले हैं, क्या करो इनका? अरे तुम्हें जो करना करो यार, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, सोने दो मुझे यार। ये मेरे हो गए, ठीक है। देखा मैं कितनी आज्ञाकारी हूँ, है ना? रोकिए मैडम आपका चलान करना है। सर किस बात का चलान? पहले अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए जल्दी से। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, क्या चाहिए सर बताइए। लाइसेंस दिखाओ, ये लीजिए। आरसी दिखाइए, ये लीजिए। पोल्यूशन दिखाइए, ये लीजिए। आधार कार्ड दिखाइए, पैन कार्ड की कॉपी दिखाइए सर। एटीएम भी देखना है सर। मैडम फिर भी आपका चालान होगा। आप किस बात का चालान सर? सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं मेरे, किस बात का चालान करेंगे आप? मैडम आप अखबार ना पढ़ती क्या? ये सब डॉक्यूमेंट किस में धर रहे हो? पॉलीथिन में, पॉलीथिन में है मैडम। निकालिए जुर्माना,
आज नहीं बच पाएंगी मैडम आप, निकालिए। दोस्तों मैंने एक बात नोटिस करी है, जो विवाहित पुरुष होते हैं ना, उनकी माँ और उनकी पत्नी दोनों ही उसके गुरु होते हैं। माँ कहती है कि बहू पढ़ा रही है, और बहू कहती है कि माँ पढ़ा रही है, और ग्रेटनेस देखिए दोनों की, दोनों में से कोई भी इस बात का श्रेय नहीं लेता। क्या बात है यार, वाह वाह। सुनो हाँ, 500 रुपए देना, जरा कुछ काम है। यार मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा इस साइड से, तुम एक काम करो इधर आके बोलो, आ जाओ। मुझे यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं, अभी बताती हूँ इनको। सुनो 5000 रुपए देना, जरा कुछ काम है। एक काम करो तुम इधर ही आ जाओ, इधर से सही सुनाई दे रहा था। कितने मांगे थे? 500 रुपए मांगे थे ना तुमने, ये लो जाओ ऐश करो। क्या हो गया? मम्मी बेल बजी है, लगता है पिज्जा वाले अंकल आ गए। हाँ अभी देख कर आती हूँ, तू यहीं रुक बेटा, मैं आती हूँ। कौन है? जी मैम आपका ऑर्डर था ये। हाँ हाँ ये हमारा ही ऑर्डर है, लाइए दीजिए। मैम चेक कर लीजिएगा। 3 आइटम्स मंगाए थे। हाँ थैंक यू। अच्छा वो पेमेंट तो ऑनलाइन हो गई थी ना? हाँ वो मैम हो गई थी, मैंने देख लिया और चेक भी कर लिया। अच्छा सुनिए सुनिए। जी मैम। देखिए आप लोग पूरा दिन कितनी मेहनत करते हैं, लोगों के घर जाके फूड डिलीवरी करते हैं। जी मैम। बहुत मेहनत का काम करते हैं आप लोग, थक जाते होंगे, तो प्लीज यहाँ पर हमारी तरफ से रखिए। क्या चीज है मैम? ये मोमोज हैं, आप ये खा लीजिए प्लीज। नहीं नहीं देखिए आप मना मत कीजिएगा, ये मैंने आप ही के लिए मंगाया है, आप इसे गिफ्ट समझ के लीजिए प्लीज। अरे मैम मुझे ये नहीं लेना है, ये कचरा आप ही लीजिए, मैं अपने घर जाऊंगा और प्रॉपर खाना लूंगा, ठीक है मैम? और हाँ मैम ये रिव्यू कर देना प्लीज। कचरा, ये तो मेरा ही कचरा कर गया। दोस्तों महिलाएं सिर्फ 3 बार शॉपिंग करने जाती है यार, तुम ऐसे ही फैलाते रहते हो कि बार बार शॉपिंग तो करती है, वो पीछे ही पड़े रहते हैं हमारे। बल्कि पहली बार तो किसी चीज को देखने जाती हैं, दूसरी बार उसे खरीदने जाती हैं, और तीसरी बार उसे बदलने के लिए जाती हैं, और हो गए 3 बार शॉपिंग, है ना? इहो, जल्दी आ बेटा पिज्जा आ गया, देख आपसे वेट कर रहे थे ना, कितनी देर से आया पिज्जा, है ना? आजा पिज्जा खाते हैं। ये पिज्जा वाले भैया ने क्या पिज्जा भेज दिया हमें? मैंने तो चीज वेज पिज्जा मंगाया था, ये क्या दे दिया इसने? तू फोन कर बेटा, तू फोन कर अभी। अभी कंप्लेन करती हूँ उसे, ना तो कोई चीज लगाया और ना ही कुछ, तो फोन कर उसे। तू अभी के अभी फोन कर बेटा उसे। मम्मी आपने पिज्जा बॉक्स उल्टा खुला है, उसे सीधा खोलो तभी तो आपको दिखेगा। हाँ अच्छा है पिज्जा, है आ जा खाते हैं आजा। सुनो आपने पड़ोसन देखी? हाँ यार कितनी अच्छी है ना, सच्ची में बहुत अच्छी यार वो तो। जितना देखूं देखने का मन करता है, मन ही नहीं भरता उसे देख देख कर ना। सही कह रही हो यार, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है वो, और उसकी स्माइल कितनी अच्छी है, स्माइल ड्रेसिंग सेंस। मैं तो कल उससे बात करके आया, बहुत अच्छा लगा यार मुझे तो, सच्ची में बहुत अच्छी है यार वो तो। हाँ यार लेकिन मैं तो उस पड़ोसन की बात नहीं कर रही। तो तुम 212 वाली की बात कर रही होंगी। हाँ? वो भी अच्छी है यार, पर मैं बताऊं उससे ज्यादा अच्छी तो मैं वो 200 पड़ोसन मूवी की बात कर रही हूँ। अच्छा मूवी, अबे यार वाले काम करते हो। सुनो हुँ? आपको पता है मैं अभी अपना वेट चेक करके आई हूँ। अच्छा और 1 किलो कम आया है मेरा वेट, 1 किलो कम कर लिया मैंने। एक मिनट अपनी शक्ल दिखाना। अरे तब तो होना ही था है। हाँ क्यों, तुमने आज मेकअप भी कहाँ किया है? हाँ यार ये बेटा अभी तक नहीं आया, ये लो आ गया। थैंक यू, सही टाइम पे ले आया आप। सुनो इसको टिप तो दे दो। ओबे और कैसे भूल सकता हूँ मैं, इधर आओ भैया। जिंदगी में कुछ भी करना पर शादी मत करना, ठीक है? ध्यान रखना, दुखों की होती है ये तो भी प्यार। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। तुम्हें डांस करना है? नहीं मुझे भी नहीं करना है। चलो फिर मैं तुम्हें अभी खाना खिला के आता हूँ, चलो आओ। हाँ चलो। हाँ? अपनी भैंस चराए। तुम्हें तो घर पे बताती हूँ। क्या हो गया? सुनो हाँ कैसी लग रही हूँ यार? तुम तो ऐसी लग रही हो कि तुम्हारा रूप दर्पण में भी ना समाए, ऐसी लग रही हो तुम। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते हो कि मोटी लग रही हो? हर बार इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बोल ही देते हो। अब करूं तो करूं क्या, रूम देख लेते हैं ना। हाँ सर एक रूम दे दीजिए। रूम
सर 102 है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, चाबी दे दीजिए। सर मैप की आईडी दे दीजिए। अच्छा आईडी, अरे ये लो मेरी भी ले लो। अरे रहने दीजिए, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? पिछली बार आईडी बोल गए थे आप, किसी एक लेडी के साथ आए थे। मरवा दिया यार इसने तो, इसी होटल में क्यों आया मैं, फंस गया यार। सुनो। हाँ। सब कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं। अच्छा तो क्या मुझे भी जाना है? कहाँ जाना है तुम्हें? गोवा लेके चलो ना। अरे ये लो चलो, अभी दो सेकंड में गोवा ले जाता हूँ तुम्हें। दो सेकंड में? हाँ ये लो। चलो ये लो। अरे खा लो खा लो खा लो खा लो। अरे तुम खा लो ना, सुनो मेरे पास है काफी है, तुम खाओ खाओ अभी, कुछ खाया करो। अरे मैं कह रहा हूँ इसमें और डाल, सारी नूडल अपने में भर ली, इसमें तो डाला ही नहीं कुछ, डाल इसमें, हमेशा अपनी पेट में ज्यादा ले लेती है, डाल इसमें। हेलो कैसी हो बेटा, नानी के घर जाके भूल गई पापा को? पापा मैं तो ठीक हूँ। अच्छा और बाकी सब घर में क्या कर रहे हैं? बाकी सब आपकी बुराई। जी तुम्हारे दोस्त कितना गंदा नागिन डांस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हम लड़कियां तो ऐसा नागिन डांस कभी भी ना करें। जी तुम्हें पता है लड़कियां नागिन डांस क्यों नहीं करती हैं? क्यों? अरे भाई वो डरती हैं कि नाचते ऐसे उनके असली अंदर सामने आ जाए। घर चलो तुम, तुम्हें घर जाके दिखाती हूँ असली रूप। सुनो तुम चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। अच्छा चलो चलो, आज शहर की शादी भी देख लेते हैं। आ जाओ बिटिया। अरे ये सब का है? अरे रे ये का, चलो वापस चलते हैं। चलो। अरे भाई तुम वापस क्यों आ गई? तो कहा करते हैं, अभी तो कुछ बना ही नहीं है, सब कच्ची पड़ी है सब्जियां। कच्ची सब्जियां? रहन दो घर ही बना लेंगे। अरे बेबकू वो सैलेड है। आओ जल्दी। क्या यार सुनो, मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? तुम सोच भी लेती हो? अच्छा वीडियो बना रही, सॉरी। क्या सोच रही हो तुम? मैं सोच रही हूँ हमें ना किसी को इतना भला बुरा नहीं कहना चाहिए ना। सही कह रही हो, तो इसका मतलब अपने पति को भी नहीं? पति किसी का थोड़ी ना होता है, पति तो अपना होता है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? यार मैं सोच रहा हूँ जब शादी होती है तो दूल्हा हमेशा दुल्हन के घर वालों को ये जरूर कहता है कि शादी के बाद मैं आपके बेटे को हमेशा खुश रखूंगा। पर ये बात मैंने कभी दुल्हन को कहते हुए नहीं सुना, कभी नहीं कहती वो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ना हम लेडीज कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा हाँ। और धर्मपत्नी जी। हाँ। कैसी चल रही है तुम्हारी इंग्लिश क्लासेस? हाँ अच्छी चल रही है। अरे सर पकड़ के क्यों बैठी हो, क्या हो गया? थोड़ा हैवीपन फील हो रहा है। हैवीपन? ये कौन सा वर्ड है यार हैवीपन? ओह हैवीपन नहीं, अरे वो क्या सीखा था अभी? अभी तो सीखा था हाँ, भारीनेस, भारीनेस फील हो रहा है मुझे। बहुत ज्यादा हो रहा है। सही तैयारी चल रही है भाई। सुनो एक बात का जवाब दो। हाँ पूछो। आजकल शादियां हो रही है हाँ। तो लोग शादी और सगाई में इतने दिन का गैप क्यों रख रहे हैं? साथ साथ कर दो ना। नहीं यार गैप देना चाहिए यार। क्यों? अरे भाई ताकि वो ये ना कह सके कि उन्हें हादसे से बचने का मौका नहीं दिया गया, समझी? इसलिए गैप दिया जाता है। तुम भी ना। तो दोस्तों वो महीना आ गया जिसमें रोमांस हर जगह होगा, वैलेंटाइन डे, हग डे, रोज डे, ये डे वो डे, सारे डे होंगे यार। लेकिन आपको पता है इसी महीने में एक सर्वे किया गया एक साइंटिस्ट द्वारा, उसमें एक चौंकाने वाला तथ्य सबके सामने आया कि इस महीने में पत्नियां अपने पति से सबसे कम लड़ाई करती हैं यार, सबसे कम। ऐसा क्यों? क्योंकि इस महीने में सिर्फ 28 दिन होते हैं यार, दो दिन कम लड़ाई के, इसलिए समझी। हेलो दोस्तों, दोस्तों आपने काफी बार देखा होगा कि जैसे दूध में उबाल आता है
एकदम लेडीज को पता चलता है और वो स्पीड से भागती हैं रसोई की तरफ, है ना। वो किस लिए भागती है पता है? इसलिए नहीं कि उन्हें मलाई बचानी होती है या दूध बचाना होता है, बल्कि वो इसलिए भागती है। किस लिए बता दो, आप ही बता दो, ज्यादा एक्सपर्ट बन रहे हो। हाँ बता रहा हूँ, वो इसलिए भागती है ताकि उन्हें यार वो गैस साफ ना करनी पड़े और नीचे प्लेटफॉर्म को भी साफ ना करना पड़े। वो इसलिए भागती है। अगली बार से आप भागूंगी नहीं और आप साफ कर लेना। कर लोगे? बंद कर रहा हूँ जी। यहाँ देखिए। देख रहा हूँ। हाँ, मेरे एक सवाल का जवाब दो। अरे पूछो तुम। अगर आपकी शादी मुझसे ना होकर जुड़वा बहनों में से, कोई भी जुड़वा बहनों में से किसी एक से होती, अच्छा, तो आप उनमें से अपनी वाइफ को कैसे पहचानते? ये तो बहुत ही आसान है। कैसे? मैं उनमें से एक की ना चोटी खींचता। अगर गुर्राई तो मेरी बीवी, और अगर मुस्कुराई तो मेरी साली। क्या सही है? दुखी हो गया हूं मैं स्ट्रेस भरी जिंदगी से। ऑफिस में बॉस की डांट, घर आके बीवी की डांट। हे भगवान, मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हो चुका हूँ। मुझे अपना बचपन वापस चाहिए, प्लीज मुझे बचपन वापस लौटा दो। ठीक है पुत्र, लेकिन दोबारा से पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। दोबारा से तुझे मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत सब दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। तैयार हो जाओ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने वाला हूँ। नहीं नहीं भगवान, सही चल रही है मेरी जिंदगी, बहुत अच्छी चल रही है। रहने तो, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए बचपन वापस। मुझे वैसे ही बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। आ गए ना लाइन पे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, जो महिला आपकी बात बिना कहे समझ जाए उसे पता क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माँ। और जो आपकी बात एक बारी में समझ जाए उसे कहते हैं बहन। और जो महिला आपकी बात एक से ज़्यादा बारी में समझे सुने उसे पता क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपकी बेटी। और जो महिला आपकी बात बार बार कहने से, बार बार कहने से और सुने ही ना उसे पता है क्या कहते हैं? उसे, यार आप हर बात में मुझे क्यों बीच में लेकर आते हो? क्या हुआ? उसे कहते हैं भैया बहरी औरत। पत्नी तो यार, पत्नी तो बहुत समझदार होती है, वो तो पहले ही समझ जाती है। सुनो, बैठे बैठे एक सवाल मन में आया था, पूछ लूं? हाँ पूछ लो। बताओ, महिलाएं ज्यादा अच्छी होती हैं या पुरुष? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम महिलाएं बहुत अच्छी होते हैं। नहीं यार, पुरुष अच्छे होते हैं। अच्छा, हाँ। रीजन भी बता दो। तुमने कभी देखा किसी महिला को दूसरी महिला की तारीफ करते हुए? नहीं ना। और वहीं हम पुरुष, अरे भाई किसी महिला की तारीफ करते हुए थकते नहीं है, फिर भी बुरे हम ही बनते हैं। कल मुझे अपनी एक्स दिखाई थी, बहुत खुश थी, हो भी क्यों ना, मुझे धोखा जो देके गई थी। मैं चाहता तो सबके सामने उसे बदनाम कर देता, पर क्या करूं, मेरे मैथ्स के सर ने सिखाया है एक्स का मान रखी। अरे भाई खाने में क्या बना रही हो? आलू की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, लेकिन देखना कितनी देर हो गई है, आलू पक ही नहीं रहे हैं, क्या करूं इनका। अरे तो एक काम करो ना, थोड़ी देर उनसे बात करके देख लो, क्या पता वो तुम्हारी बातें सुन के पक जाए। हाँ? क्या?